बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक व्लॉग। एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद उसामा शर्मा। आज हम लोग एक जो लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, बेसिकली रिव्यू तो काफ़ी लोगों ने किया क्योंकि बहुत पुरानी मशीन है, लेकिन बेसिकली हमारा जो रिव्यू करने का मकसद ये है कि हम ये बता सकें कि 2022 में ये मशीन आपके किस किस काम आ सकती है और क्या अभी भी इस मशीन को बाय करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं। एप्पल मैकबुक प्रो 2011 का मॉडल है, 15.6 इंच कोर i7। 2011 का मॉडल है, डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी के अगर हवाले से हम मशीन की बात करें तो टोटली अल्मोनियम है, 15.6 इंच टॉप भी अल्मोनियम है, बॉटम भी इसका अल्मोनियम है, टैग्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके अलावा एप्पल लोगो की लाइट जो है इसमें जलती है, लाइट अप होता है। और उसके अलावा इंटरनल की अगर हम बात करें मशीन की तो ग्लॉसी डिस्प्ले है इसका मशीन का, और उसके अलावा 720p रेजोल्यूशन का इसका कैमरा है। एप्पल की जो है आप चाहे 15 इंच वाली मशीन हो या अभी जो नए मॉडल्स की 16 इंच की जो मशीन है वो हो या 13 इंच की मशीन हो, कोई भी मशीन हो, 17 इंच की मशीन हो, वो किसी के अंदर भी जो है वो न्यूमेरिक बैड नहीं आता, सारी की सारी मशीनें विदाउट न्यूमेरिक बैड के होती हैं मशीन्स। इस मशीन की खासियत ये है कि ये डुअल ग्राफिक वाली मशीन है और इसका आप देखेंगे बहुत काफ़ी लार्ज साइज़ के आपने देखेंगे दोनों साइड्स के ऊपर स्पीकर हैं, ट्रैकपैड है सेंटर के अंदर और काफ़ी आपके पास वर्किंग स्पेस है आप हाथ रख के कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए। मशीन जब तक ऑन हो रही है पोर्ट्स को भी साथ साथ हम बता देते हैं आपको। लेफ्ट साइड के अगर पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर मैक्सिम वन चार्जिंग पोर्ट है, प्लस ईथरनेट पोर्ट है, फायरवायर की पोर्ट है डेटा ट्रांसफर के लिए, ओल्ड टेक्नोलॉजी एप्पल की, थंडरबोल्ट पोर्ट है फॉर एक्सटेंडेड डिस्प्ले एंड 2 USB पोर्ट प्लस फुल साइज SD कार्ड स्लॉट, हेडफोन जैक और उसके अलावा ऑडियो के लिए स्पीकर जैक माइक जैक, प्लस उसके अलावा बैटरी इंडिकेटर की यहाँ पर देखा बटन दिया हुआ। राइट साइड से अगर हम पोर्ट की बात करें, राइट साइड के ऊपर तो ऐसा कोई पोर्ट नहीं है, जस्ट DVD रोम है और लॉकिंग सिस्टम के लिए आपने देखा होगा यहाँ पर होल दिया हुआ। फ्रंट पे बात करें तो फ्रंट के ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ से लिड को ऊपर करने के लिए उन्होंने गैप दिया हुआ है और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे पावर ऑन जब मशीन होती है तो उसकी लाइट का ऑप्शन है। मशीन ऑन होगा ये पावर पासवर्ड डाल के हम मशीन का आपको जो है अंदर से इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। बेसिकली 15.6 इंच की ये मशीन है और इसके अलावा कोर i7 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ है। क्यों कारामद है वो भी आपको बताएंगे। अबाउट दिस मैक में जब जाते हैं मशीन की, आप देखेंगे इंटेल 2.2 GHz कोर i7 प्रोसेसर है, अर्ली 2011 का मॉडल है और 4 GB इसके अंदर रैम है। इसके अंदर आप देखेंगे DDR3 की, इंटेल SD इसके अंदर ग्राफिक है 384 MB की। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आप देखेंगे इसका 1440x900 डिस्प्ले है। स्टोरेज इसके अंदर 500 GB हार्ड ड्राइव है, आप इसके अंदर SSD लगा सकते हैं, 2 RAM स्लॉट्स हैं। जो मेन पर्पस है इस मशीन का, सिस्टम रिपोर्ट में अगर आप जाके देखते हैं तो मशीन का जो टोटल नंबर ऑफ कोर्स है वो है 4, तो ये क्वाड कोर की मशीन है। प्लस इसके अलावा अगर हम इसकी जो है ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आप देखेंगे इसमें AMD Radeon SD6750M का 1 GB का डेडिकेटेड, ये देखेंगे 1 GB 1024 MB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। तो असल वजह इसकी मेरे ख्याल से 2022 के अंदर इस वजह से कारामद है कि आपकी मशीन 2019 तक के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप, प्रीमियर, इलस्ट्रेटर, जो जेन्युइनली तौर के ऊपर विदाउट किसी पैच या फर्मवेयर अपडेट के चला सकती है, और अगर आप इसमें पैच के थ्रू कैटलिना वगैरह चलाएंगे तो 2022 के सॉफ्टवेयर भी रन करेगी और बहुत स्मूथली तौर के ऊपर रन करेगी, क्वाड कोर और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ मशीन है। और अगर हम इसकी लास्ट में बस प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें मशीन की, तो प्राइस डेफिनेटली ये मशीन जिस स्पेसिफिकेशन में अभी मौजूद है उसी के साथ हम प्राइस बताएंगे। 4 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव, अर्ली 2011 का मॉडल, और i7 2.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, प्लस 384 MB का अलग से इंटेल SD ग्राफिक। आपको ये मशीन नेक्स्ट जेन टेक के ऊपर मिल जाएगी 35,000 रुपीज़ में। जी हाँ, 35,000 में मिल जाएगी। और अगर मुझसे आप ये पूछना चाहेंगे कि जिन्होंने बेसिक ग्राफिक वगैरह का काम करना है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, तो उसके हिसाब से ये मशीन बहुत अच्छी मशीन है। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज़ नेक्स्ट जेन टेक ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम इट इज़ नेक्स्ट जेन _ टेक एंड ऑन फेसबुक इट्स नेक्स्ट जेन टेक। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आती रहे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।